हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत हुई है ब्रेकफास्ट से एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। तो ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं आलू का पराठा। आलू का पराठा आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बनाने लग गए क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं उसको ऑन एंड ऑफ, बहुत ईजी भी है बनाना। तो आटा गूंदना ही है और बस आलू का मसाला बनाना और फटाफट बन जाता है और बच्चे काफ़ी अच्छे से फुलफिलिंग तरीके से खाते हैं। तो इसीलिए ऑन एंड ऑफ हम लोग बनाते रहते हैं ये आलू का पराठा। और घर का है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक पराठा ही खा लो पेट भर जाता है। तो बच्चों को काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया और सुबह सुबह नहीं बोलूँगी, ब्रंच का टाइम है, काफ़ी लेट हम लोग उठे थे। थोड़ा बिजी डे होने वाला था, ज़ेविन का हेयर कट भी करवाना था और स्कूल भी जाना था। तो हम लोग फटाफट हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहे थे। कैसे बना पराठा स्टार्ट? तो गाइस आज मैंने आलू पराठा बनाया है एंड इट्स रियली यम्मी। तो आज ये है हमारा ब्रेकफास्ट नहीं बोलूँगी, ब्रंच बोलूँगी। काफ़ी लेट खा रहे हम लोग। स्टार पराठा खा के फिनिश। चाटम चाटी चल रही है, शेजवान चटनी और कर्ड की चाटम चाटी चल रही है। नहीं, ज़ेवियर ने भी अपना खा के ख़त्म कर दिया। इज़ ईटिंग बाय हिमसेल्फ। खा के ख़त्म करके हाथ वाथ धो के वो आ जाके बैठ गया। इज़ प्लेइंग विद हिज एनिमल्स। चलो गाइज, वी आर गोइंग टू कट ज़ेवियर्स हेयर टुडे। तो बस हमारा खाना पीना हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। वी आर गोइंग टू कट ज़ेवियर्स हेयर। तो ज़ेवियर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, देख सकते हो, ऐसे जंगली जानवर लगने लगा है वो। और बिल्कुल भी मतलब नीट क्लीन नहीं लग रहा। नहा धोने के बाद भी ज़ेवियन के बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। सो गाइज वापस आएंगे हेयर कट वगैरह करके और उसके बाद ज़ेवियन नहाएगा धोएगा ना। और ज़ेवियन का स्कूल भी है। तो हेयर कट कराने के लिए बिल्डिंग से लग के ही एक सलून है, बहुत ही बाजू में। और ज़ेवियन को आजकल हेयर कट कराना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एवरी मंथ मैं उसको यहीं पे लेके आती हूँ। उन लोग बहुत अच्छे से हेयर कट करते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा सैलून है। और ज़ेवियन को बहुत मज़ा आता है। पहले वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता था हेयर कट, बट नाउ डेज़ उसको बहुत मज़ा आता है हेयर कट करने। तो पहले ज़ेवी के डैडी उसके हेयर कट किया करते थे घर पर, बट अब बेबी के बाल तो कट गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दिया था। नहाने के लिए अभी क्योंकि शैम्पू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बाल गिर गए ना। सो वी आर गोइंग टू यूज ज़ेवियन्स फेवरेट मामा अर्थ कोकोसॉफ्ट मामा अर्थ शैम्पू। Mama Earth's CocoSoft shampoo is here to gently cleanse and nourish your little one's hair and scalp. It comes with a natural and tear-free formula made with the goodness of nourishing ingredients like coconut milk, citric acid, turmeric and calendula. It deeply moisturizes and conditions the baby's scalp, improving scalp health and hair texture. Packed with turmeric, it is an anti-inflammatory and antibacterial, helping keeping infections and irritations away. It also balances the scalp pH level, keeping your little one's hair healthy. What's more, it's made safe certified and you won't find any silicone, parabens, mineral oils and dyes in it. The tear-free formula in the CocoSoft baby shampoo makes a very bubbly and a happy bathing experience for your little one. Guys, Mama Earth का CocoSoft baby shampoo के key ingredients है coconut oil, calendula, टर्मरिक और सिट्रिक एसिड। जहाँ कोकोनट ऑयल इंटेंसिवली मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और बालों को कंडीशन करता है। टर्मरिक के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स है जो हमारे स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। कैलेंडुला जो है वो हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट और नरिश करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिट्रिक एसिड जो है वो स्कैल्प को क्लेंस करता है और हमारे जो इचिनेस वगैरह होते हैं उसको सूद। गाइज मामा अर्थ के जो कोकोसॉफ्ट रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड। मेड सेफ सर्टिफाइड मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिक पैराबेन्स। और आपको कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं रहेगा इसमें, मतलब यू कैन यूज इट ऑन योर बेबीज फ्रॉम 0+ ईयर्स। मतलब हम हमारे इन्फेंट बच्चों को भी ये यूज कर सकते हैं, इतना अच्छा होता है। गाइस, हम मामा अर्थ के बारे में बात करें तो उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव को हम कैसे भूल सकते हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामा अर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर टू देयर वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। सो बाय द ईयर एंड 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री। मामा अर्थ इज ऑल्सो अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मतलब दे रिसाइकल मोर देन दे यूज। दे रिसाइकल ओवर 240 metric ton of plastic every month, and most importantly Mama Earth is an Indian brand, so we have to support our local brand so that they grow and develop and we can also benefit from it. Mama Earth के प्रोडक्ट्स उनके ऑफिशियल वेबसाइट और उनके ऐप में भी मिलते हैं और अलग अलग वेबसाइट में मिलते हैं। सो Amazon, Flipkart, Nykaa, Purplle, यहाँ सब तो मिलते ही है, बट ऑफलाइन प्रेजेंस भी उनकी काफ़ी है। तो आजकल उनके नए नए स्टोर्स भी ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे शॉप्स में भी वो मिलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट मामा अर्थ प्रोडक्ट्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन मी, या मेरे कमेंट में आके बताइए कि यू हैव स्पॉटेड अ मामा अर्थ प्रोडक्ट एंड मामा अर्थ स्टोर। तो गाइस, मामा अर्थ का ऑफिशियल ऐप भी है, अगर आपने उनको डाउनलोड नहीं किया है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यू गो एंड डाउनलोड द मामा अर्थ ऑफिशियल ऐप ऑल्सो, एंड उनके वेबसाइट में भी उनके सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपने उनका ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए फटाफट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो INDI 2023 और आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल सकता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में और उनके ऐप में। सो आपको अगर 20% डिस्काउंट चाहिए आप मेरा कोड यूज कीजिए। गाइस, व्हाई यू वेटिंग, गो शॉप मामा अर्थ प्रोडक्ट्स नाउ एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाय एवरीबॉडी। सो इस बार हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टेशनरी व्लॉग्स बनाते हैं। सो आप लोगों को कुछ फेवरेट स्टेशनरी पिक्स भी तो दिखाने पड़ेंगे ना। सो स्टारलेट के 2022 और 2023 के फेवरेट स्टेशनरी पिक स्टार बताने वाली है। कुछ स्टेशनरीज हमने रखा है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कुछ पिक्स जो स्टार को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो क्या रेगुलरली यूज़ करती है। और आपको भी उसके लिंक्स हम देंगे डिस्क्रिप्शन के नीचे, अगर आपको परचेज करना है तो यू कैन परचेज इट। क्योंकि हमने इनके शॉर्ट्स भी डाले बीच बीच में, आप लोग लिंक्स पूछते रहते हो तो हमने बताया नहीं है, बट इस वीडियो के नीचे हम सबका लिंक डाल देंगे जिसका हम पॉसिबली बता सकते हैं। एंड दीज आर स्टारलेट्स फेवरेट स्टेशनरीज, को एक एक करके आप बताएगी कि कौन से उसके फेवरेट है। से हाई टू आवर प्ले बटन। सो गाइस, स्टार ने अपने टेबल पे यहाँ पे रखा है, देयर इज नो प्लेस टू हैंग, सो दैट इज व्हाई उसने अपने टेबल पे रखा है। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस साइड। फर्स्ट हमारा आता है सबसे ऊपर पेंटिंग सप्लाईज के, आता है हमारा डोम्स का 50 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स। यस, सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑयल पेस्टल्स इन एवरी ब्रांड। और हमने सबके रिव्यू देख के ही, स्टार ने पहले 12 ऑयल पेस्टल्स यूज़ किए थे और स्टार को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए स्टार ने अपने बर्थडे में ये वाला रिक्वेस्ट किया था। तो हमने 50 शेड्स का ऑयल पेस्टल लिया था एंड दीज आर रियली गुड। अगर रियली गुड फॉर बिगिनर्स, ये इतने ब्राइट और वाइब्रेंट शेड में होते हैं और इतने सॉफ्ट है। अगर आपको आर्टिस्टिक ऑयल पेस्टल चाहिए तो आप गैलरी के भी यूज कर सकते हो, वो भी सिमिलर है डोम्स के, पर मैं तो बिगिनर हूँ तो इसलिए मैं यही यूज कर रही हूँ। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छे है। स्टार तो 12 शेड से उसने बहुत सारे यूज़ किए थे, काफ़ी सारे ड्राइंग उसने 12 शेड से बनाए थे, बट 50 शेड से और भी ज़्यादा वो बना सकती है, तो इसीलिए उसने 50 शेड्स ऑर्डर किया और ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला ऑयल पेस्टल। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ अ फेवरेट इन 2022 एंड 2023 इट्स गोइंग टू बी। ओके, सो अगर आपको परचेज करना है तो लिंक दे देंगे, आप परचेज कर सकते हो। यस, एंड दीज आर क्वाइट रीजनेबल, डॉम्स के प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल है और उनके साथ उन लोग फ्री प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। तो इसके साथ स्टार को फ्री मिला है ये स्क्रेपर और एक 2B डोम्स का स्केच टूल, हाँ मतलब पेंसिल, विच इज वेरी गुड, पेंसिल विच इज फॉर स्केचिंग एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट अगेन डोम्स। मोस्ट ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स आर डोम्स। These are Doms watercolor aqua pens, इसमें 24 शेड्स है और ये वाटर के साथ यूज कर सकते हैं आप। तो इसको मैं वाटर कलर पेपर के साथ यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छे कलर्स है और प्लस आपको पेंट वगैरह कैरी नहीं करना पड़ेगा कि आपका लगेज बैग वगैरह डर्टी हो जाए, आप बस इन स्केच पेन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको पेंट का इफेक्ट देना है अपने पेंटिंग्स को तो आप ये वाटर कलर इफेक्ट जैसा, हाँ तो आप ये वाटर कलर ये पेन्स यूज़ कर सकते हो। ये भी डॉम्स का, ये भी बहुत अच्छा है और मुझे तो बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला, इसका भी लिंक हम डाल देंगे अगर आपको चाहिए। मैं इसको वाटर कलर पेपर पे यूज़ करती हूँ और वही हमारे नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। सो ये हम लोग मुंबई आने के बाद हमने ये लिया था, इंडिया आने के बाद, कैंसन के वाटर कलर मॉन्टवल पेपर। countable watercolor paper, which was for only 200 rupees for 20 sheets. Plus, I got 8 sheets free as a 40% extra. Yes, and ये star को बहुत अच्छा लगा क्योंकि every painting, every drawing after that star is making on this only. Yes. Right. Yes. So ये इसलिए star को ये water resistant papers है. तो फिर इसका मतलब है कि जब भी आप वाटर कलर वगैरह यूज करेंगे तो फिर ये पेपर एकदम नॉर्मल पेपर की तरह एकदम डिंग डिंग ना हो जाए, ये एकदम परफेक्टली स्टिफ रहता है और ये कैनवस पेपर की तरह भी यूज हो सकता है. यस, तो ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है ये यूज करने के लिए, राइट? यस, सो इसीलिए स्टार ये यूज करती है. सो दिस इज हर थर्ड फेवरेट. नेक्स्ट आता है हमारे मोस्ट व्यूड यूट्यूब शॉर्ट्स का टाड़ा पाउच. ये यूनिकॉर्न पाउच है, ये एकदम स्पेशियस पाउच है और ये यूनिकॉर्न के इसमें बहुत सारे कोट्स वगैरह भी लिखे हैं और इसमें कितनी जगह है. तो ये स्टार का फेवरेट है, फेवरेट पाउच, वन ऑफ द फेवरेट पाउच. और स्टार इसको बहुत संभाल के रखती है. फिलहाल तो इसको यूज नहीं करी, जब स्टार स्कूल जाने लगेगी ना तो शी विल डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग दिस एंड शी विल टेक टू स्कूल. सो इसमें काफी सारी चीज अकोमोडेट हो जाती है और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा था ये पाउच. इसका भी सारे लोगों ने पूछा था कि आपने कहाँ से लिया है, तो इसलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे नीचे. ये हमने अमेजोन से ही परचेज किया है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो. प्राइजेस वेरी हो सकते हैं. हमने तो 350 रुपीज का लिया था which was quite affordable. और अगर आपको चाहिए, और ये कलर भी इतना क्यूट और प्यारा कलर है, टर्कोइज और पिंक कलर के इसमें आता है. तो देखो यूनिकॉर्न में कितना प्रिटी लग रहा है एंड रियल है, 3D वाला यूनिकॉर्न है. सो वी विल डेफिनेटली शेयर दिस लिंक, आप इसको बाय कर सकते हो. तो इसमें कोड्स भी काफी सारे लिखे हैं. सो दिस इज वन ऑफ स्टारलेट्स फेवरेट पिक्स इन 2022. ओके, नेक्स्ट. So next is masking tape. ये मैं वाटर कलर पेपर के साथ ही यूज करती हूँ. अगर आप मेरे पेंटिंग्स देखेंगे तो ऐसे साइड में ये वाइट जैसा इफेक्ट देता है, तो मास्किंग टेप लगाने से ही वो इफेक्ट आता है. स्टार स्टार्टेड यूजिंग मास्किंग टेप आफ्टर कमिंग ईयर ओनली. तो हमने ऑनलाइन बाय किया था इसको और अब स्टार को इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कहीं स्टिक ज़्यादा नहीं होता है, इसका कोई मार्क नहीं रहता. और बस ये जो पेपर्स है थोड़ा सा स्लाइटली ड्रिप कर देंगे पर वो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो. सो काफ़ी सारी चीज़ों पे आप मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हो. तो आप देख सकते हो स्टार ने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया ये मास्किंग टेप. यस, सो शी इज़ लविंग दिस मास्किंग टेप. इसका लिंक भी मैं डाल दूँ. नेक्स्ट फाइन टेप मार्कर्स. शार्पी के फाइन टेप मार्कर्स है. शार्पी तो आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा कलर्स वगैरह के ब्रांड है. तो ये मैंने इसका फाइन पॉइंट का मैंने ये मार्कर्स ऑर्डर किया है. इसमें मुझे 2 मिले हैं और ये नॉर्मल फाइन टेप है और इसका कलर भी एकदम ब्राइट डार्क कलर्ड है. सो दीज आर बेसिकली, स्टार को अगर साइड में हाईलाइटिंग वगैरह करना हो तो स्टार ने ये वाला लिया था. स्टार ने एक दो पहले भी मंगाए थे बट उससे ज़्यादा अच्छा लगा स्टार को ये शार्पी वाला. सो इसका लिंक भी हम डेफिनेटली शेयर करेंगे क्योंकि जो आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करते हैं या हाईलाइटिंग या साइड्स में जिनको हाईलाइट करना है वो ये यूज़ कर सकते हैं शार्पी वाला. एंड देन कम स्टारलेट्स पोस्का मार्कर. This is the only Posca marker which we have bought, but Starlett loves this more. These are Posca paint markers. मतलब ये पेंट की तरह होते हैं पर मार्कर की शेप में होता है और इसको मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ. ब्लैक पेपर वगैरह में वाइट कलर का. अभी फिलहाल तो मैंने वाइट ही मंगाया, मैं देखती हूँ और भी कलर्स मंगाऊंगी. यस, तो इसका भी लिंक शेयर कर देंगे. अगर आपको चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो. और ये ऐसे वाला टिप का बहुत अच्छा है, काफी टाइम चलता है ये और काफी अच्छा भी है. आप इसका वाइब्रेंट कलर है, कितने अच्छे कलर उसके. ओके, नेक्स्ट इज दीज आर ब्रश पेन. स्टार ने 2 मंगाए हैं, एक तो कैमलिन का मंगाया है और डोम्स का भी मंगाया है. सबके पैकेट्स फेंक दिए हैं बट शी हैज केप्ट दिस सेपरेटली. तो ये जो है डब्बे में ये कैमलिन वाले है, ये भी बहुत अच्छा है. कैमलिन का 24 शेड्स है कैमलिन के. और इसमें बहुत सारे कलर्स है. दोनों डोम्स और ये कैमलिन सिमिलर वे में वर्क करते हैं. और दोनों वाटर कलर इफेक्ट ब्राइट कलर्स देते हैं. इसमें बस कैमलिन की मेरे पास ज्यादा है और मैंने डोम्स के 40 शेड्स भी मंगाए थे. यस, तो दोनों अच्छे है, दोनों आप ले सकते हो. कोई भी आपको जो पसंद है आपके चॉइस के हिसाब से, बट दोनों बहुत अच्छे हैं. मैंने वाटर कलर पेपर तब ट्राई किया था जब मुझे डोम्स के साथ मिला था. मुझे डोम्स के ये ब्रश पेन्स के साथ ये 5 वाटर कलर पेपर मिले थे और उसके बाद आई एम ऑब्सेस्ड विद वाटर कलर पेपर्स. यस, यस, सो दीज आर टू ब्रश पेन्स जो कैमलिन के भी है, डोम्स के भी है. आप जो भी चाहिए आप ट्राई कर सकते हो, विच एवर वर्क्स फॉर यू, बट बोथ आर वेरी वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू सम स्टेशनरीज ऑल्सो. स्टेशनरी में फर्स्ट है ये क्लासमेट्स के बुक्स, नोटबुक्स जो हमने ऑनलाइन बाय की है स्टार के लिए. यस, मैंने इनमें से बहुत सारे यूज किए क्योंकि इनके पेपर्स वगैरह बड़े अच्छे हैं. अभी ये तो मैं यूज कर रही हूँ, तो इसमें से तो बहुत सारे मैंने यूज किए हैं. आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ हिंदी के लिए, मैथ्स वगैरह के लिए बहुत सारे यूज किए हैं. तो क्लासमेट्स के बुक स्टार ने बहुत सारे यूज कर लिए, तो वैसे ही हमने और भी ऑर्डर कर दिए. ये न्यू सेट ऑफ क्लासमेट्स के बुक्स हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाते हैं. और एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं इसमें, तो काफी अच्छा भी होता है और इनका एक ब्रांड होता है. इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स विद दिस एंड इम्प्रूव योर लॉजिकल रीजनिंग. तो ज़ेवियन को भी बहुत पसंद है, उसके बुक भी मैंने क्लासमेट्स के लिए है ना, तो इसलिए उसको भी काफ़ी पसंद है ये पीछे जो बुक्स के पीछे जो कुछ ना कुछ गेम्स होता है खेलने के लिए, तो इसलिए स्टार के लिए भी लिया था मैंने. तो स्टार्टिंग वगैरह में भी ये देखो नॉर्मल बुक्स में जिसमें ये भी नहीं है, जो कवर रहता है इनका उनके बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है फर्स्ट में. ये देखो इसका नाम है अमा डबलाम माउंटेन, इसके बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है. प्लस लास्ट पेज में भी ये देखो ये रहता है, डिड यू नो योर ब्रेन इज फास्ट एंड मोर पावरफुल देन अ सुपर कंप्यूटर. ओके, फन फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए स्टार को ये बुक्स बहुत पसंद है. तो इसलिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी ऑर्डर करके रखे क्योंकि स्टार लिखती रहती है उसके नोट्स वगैरह के लिए, तो इसीलिए ये बुक्स काफ़ी अच्छे भी है और अफोर्डेबल भी है, इतना ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है. तो अगर आप बंच में मंगाओ तो आपको ईजिली आपको सस्ते पड़ जाएंगे मार्केट से भी. तो ये क्लासमेट्स के बुक्स. ओके, नेक्स्ट पेन्स. ओके, लेट्स गो विद सम राइटिंग पेन्स. तो राइटिंग पेन्स में स्टार को ये वाले, ये कौन सा ब्रांड है ये? रोरिटो. ये हम लोग ने लोकल स्टोर से लिया था, बट स्टार को ये बहुत अच्छा लगा ये पेन. इसका ब्लू कलर भी हम लोग ने 3-4 लिया था, बट वो खत्म हो गया अभी फिलहाल स्टार के पास. तो आप देख सकते हैं कौन सा ब्रांड है ये, रोरिटो. यस, तो स्टार ब्लैक भी लेके आई थी, तो ब्लैक अभी भी है. नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएंगे तो हम ब्लू और लेके आएंगे क्योंकि स्टार को राइटिंग के लिए बहुत अच्छा डार्क है ना ये. यस, अच्छे ब्राइट, हर चीज मुझे ब्राइट अच्छे लगता है, तो इसीलिए वो अच्छा ब्राइट तरीके से लिखता है, मतलब लाइट उसका अच्छा रहता है और बहुत टाइम चलता भी है. इसका इंक इधर आपको देखता रहता है कि कब खत्म होगा. आई थिंक फॉर 15 रुपीज, नॉट मोर एक्सपेंसिव. फिर है स्टार के पास ये फेबर कैसल के पेस्टल पेन्स जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. हमने इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है ये पेन्स को. ये पेस्टल कलर्स में आते हैं और काफ़ी हमने यूज़ किया है, बहुत अच्छा लिखता है ये. बट दीज आर आउट ऑफ स्टॉक एक्चुअली, कहीं नहीं मिल रहा है ये, इसलिए हम नहीं परचेज कर पा रहे. और जिसमें से हमने लिया था उधर भी नहीं है, मतलब हमने क्या बोलते हैं, स्कूल एसेंशियल किट में लिया था. आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मुझे ये मिला था पेंसिल पेन्स. मुझे मिला था और इसका इंक बड़ा अच्छा है, ये बॉल पॉइंट टिप्ड है, पर अभी मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं ऑनलाइन स्टोर में ही नहीं मिल रहा. यस, तो लेट्स सी, अगर मिलेगा तो ले लेंगे, बट अगर आपको परचेज करना है ना तो आप ऑनलाइन ढूंढ लेना. ये फेबर कैसल के पेस्टल पेन्स बोलते हैं इसको, बॉल पेन्स. तो ये भी बहुत अच्छे है लिखने के लिए, तो काफी अच्छे है. यस, और अगर आपके पास भी कोई रिकमेंडेशन हो अच्छे पेन के तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि हम लोग अच्छे पेन ढूंढते रहते हैं. काफ़ी कुछ ट्राई किया है हमने, बट हमें पसंद नहीं आया इतना कुछ पेन्स. ओके, एंड नेक्स्ट कम टू सम फैंसी पेन जो स्टार को बहुत ज़्यादा पसंद है. फर्स्ट तो ये आता है कलर, सेलो का कलर बॉम्ब पेन्स. ये इसका इंक कितना ब्राइट वाइब्रेंट कलर के रहते हैं, ये बड़ा ही अच्छा कलर रहता है. ये देखो एकदम नियॉन पिंक इफेक्ट का देता है ये. मुझे तो ये सिंगल मिला था, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पूरा पैक का डाला है जिसमें 10 कलर्स आपको मिलते हैं. ये इसमें कलर बॉम्ब के, पर मुझे तो एक ही मिला था वो सेट के अंदर. तो अगर आप चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छे नियॉन कलर्स के कलर्स है ये. यस, नेक्स्ट है ये सिजर पेन्स जो हमने मिस्टर DIY स्टोर से लिया था. ये बहुत अच्छा लिखता है सिजर पेन. अच्छा लिखता तो है, लेकिन इसके सिजर्स एक्चुअली वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और अच्छे से कटते भी. स्टार काट के दिखा दो, ये देख सकते हैं आप, ये कटता भी है सिजर, अच्छा खासा कटता है. इट एक्चुअली वर्क्स. इट एक्चुअली वर्क्स वेरी नाइसली. एंड पेन भी इसका बहुत अच्छा है, मतलब लिखने में बहुत अच्छा है. ताने अब तक इसको यूज़ करना शुरू नहीं किया लगता है. नहीं, दोनों मैंने शुरू नहीं किया. अच्छा, सो ये हम लोग ने ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था. ओके, नेक्स्ट है ये 2 पेन जो स्टार ने मुंबई से लिया और स्टार को बहुत पसंद है. ये तो मर्मेड पेन है, एकदम इंक पेन का इफेक्ट देता है। यस, इंक पेन जैसा लिखता है ये। सो इसीलिए मैंने भी ट्राई किया तो मुझे इंक पेन लग रहा था। एंड दिस इज लिपस्टिक पेन। लिपस्टिक मैंने अपने ग्रैंड मदर को इसे ट्रिक कर दिया। अच्छा। उनको लगा कि ये रियल लिपस्टिक है। अच्छा अच्छा। मैंने बोला कि देखो ये लिपस्टिक है, अब इधर से खोलेगा और लिपस्टिक है, देखो लिपस्टिक है ना। तो ये पेन बन गया। सो दिस इज लिपस्टिक पेन जो स्टार का फेवरेट अब हो गया है। सो दीज आर सम फेवरेट स्टेशनरी पिक्स। एंड नेक्स्ट इज फ्यू ऑफ द पेंटिंग पिक्स जो स्टार का फेवरेट है। दीज आर ऑल्सो फ्रॉम डॉम्स। अगर आप वाटर कलर ट्यूब्स देख रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली बाय दीज डॉम्स वन। स्टार ने कैमलिन भी ट्राई किया है, फेबर कैसल भी ट्राई किया है, बट स्टार को डॉम्स के वाटर कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड सेम लाइक डॉम्स के ये ब्रशेज, ये फाइन टिप ब्रश है डॉम्स की, सिंथेटिक है क्या। 10 रुपीज़ में ये पूरा पैक मिला है, राइट? पूरा मिला है मुझे 10 रुपीज़ का। ये हमने लोकल स्टोर से खरीदा था। एंड लाइक वाइज दिस वन ऑल्सो, ये वाला 10 रुपीज़ में डॉम्स के कलर्स है, बहुत अच्छे। स्टार ने इसके 20 रुपीज़ वाला 12 शेड्स भी खरीदा है जो बहुत अच्छा है, बट ये सबसे चीप है 10 रुपीज़ वाला। इसको आपको मिक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यूज़ करो, ज़्यादा हैसल नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू लाइक आप पेंटिंग आपका इजी कर देगा विदाउट मिक्सिंग वाटर एंड एवरीथिंग। एंड ये है इसके ट्यूब्स, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ मुझे पैलेट मिला है और एक ब्रश भी मिला अंदर। यस, ट्यूब्स के साथ स्टार ने इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये ब्रश मिला है। And this is also very good. तो ये सिंथेटिक हेयर का ब्रश है। तो ये सब है स्टार के रिकमेंडेशन। तो ये जितना स्टार को समझ में आया स्टार ने उतना अपना रिकमेंडेशन दे दिया है। आपको चाहिए इन सबको बाय कर सकते हो, ये सब स्टार के फेवरेट है और स्टार यूज़ करती है। हमें रेकमेंड कर सकते हो, हम उसको डेफिनेटली ट्राई करेंगे बाय करके और आपके साथ शेयर भी करेंगे। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you don't miss any videos from our channel. I forgot that. Yes. And then guys, all the links are given in the description box. Please go and check out and buy whatever you want. Yes. Okay? Take care. Bye-bye. बस मुझे 10 रुपीस का पेन नहीं मिला ऑनलाइन। Yes. जो नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है? आप ऑफलाइन स्टोर से भी जाके खरीद सकते हो। जो मिल गया वो शेयर करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय। जो भी आपके पास आइटम्स है जो मेरे रेकमेंडेशन से है आप कमेंट करके जरूर बताएं। फेवरेट पिक्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम भी ट्राई करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय।